यस प्रीवियस ईयर पेपर में आज स्टार्ट करते हैं कैलकुलस, सारे कैलकुलस के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं 2008 से। तो सबसे पहले आप मुझे 2008 के क्वेश्चंस नंबर बताओ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री किया था वैसे ही। सबसे पहले 1, 4, 5 के बाद 6, 7 तो उसका ट्रिग्नोमेट्री का 8 है। ये भी पता होना चाहिए कि हम जब हम टॉपिक्स इससे स्कोर बढ़ेगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री से फर्क पड़ा ना, इनसे भी फर्क पड़ेगा। 8 नेक्स्ट 11 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 11 के बाद है, जल्दी बोलिए आप लोग, 12 नहीं है, 12 तो ट्रिग्नोमेट्री का। 12 के बाद है फिर 16, फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ले सकते हैं 16। देन 16 के बाद 26 नहीं है, पैराबोला का 40 क्वेश्चन आते थे उस समय तक तो ठीक है, पर 41 एंड 42 है ना। डन, चलिए अब इन क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। और पहले देखिए जरा कैलकुलस के कितने क्वेश्चन आए। ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस एक 50 क्वेश्चन में मान के चलो कि 5 से 8 के बीच में ट्रिग्नोमेट्री और 10 से 12 के बीच में कैलकुलस, यानी अगर इन दोनों को मिला लें तो लगभग 16-18 क्वेश्चन होते हैं, यानी 1/3 पार्ट हो गया पेपर का। यस और नो, ये एक एक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करोगे अपने आप कमांड आ जाएगा। आप इसमें देखते चलते हो और 2008 से इसलिए ले रहे हैं कि आप देखोगे 12-13 के बाद क्वेश्चन के पैटर्न सेम मिलेंगे। आप सबसे पहले तो क्वेश्चन 1 देखें, तो क्वेश्चन 1 तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है, अभी किया था रिसेंटली पेपर, क्योंकि एफ एक्स इज पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग, तो ये तो सीधा सीधा एफ एक्स इंटू एफ 1/x। अगर कभी भी ये दिया, फिर भी क्योंकि हम इसको कर रहे हैं तो एक बार फिर रिवाइज, ऐसा कभी भी दिया तो एफ एक्स को लेना चाहिए एक्स बार एन प्लस माइनस 1, ये स्टैंडर्ड है। अब जैसे प्लस होगा या माइनस ही डिपेंड करेगा। जैसे एफ थ्री दिया आपको, एफ थ्री कितना दिया है 28, तो इसका मतलब एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 होगा, जब भी ऐसा हो सकता है। तब आपसे एफ फोर पूछा है तो एफ फोर क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 इज 65, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है जरा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 0 to π/2, समझिएगा 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस टेन क्यूब एक्स, डायरेक्टली इसका आंसर लिमिट बाय टू बोलना चाहिए, तो लिमिट बाय टू यानी π/4 इज आंसर। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोग जब ये करवा रहा हूँ ना, तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोग ये प्रॉपर्टी भी थोड़ी रिकॉल करा करो, और एक नहीं अगर एक क्वेश्चन आया है तो उसी समय सारी प्रॉपर्टी का रिकॉल कर लो उसी समय, तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, 4th के बाद 5th की जब बात करते हैं तो देखिए 5th में बोला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स माइनस 1 इंटू कॉस एक्स माइनस ई पावर एक्स अपॉन एक्स पावर एन, यस और नो। और जिस समय पेपर आया था उस समय 40 एक्चुअल क्वेश्चन हुआ करते थे। अब इसके लिए एक्सपांशन फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, तो एक्सपांशन ही लगाओ, पर इसी समय सारे एक्सपांशन का रिवाइज कर लो, जैसे साइन एक्स का रिवाइज कर लिया है ना, इसी समय सारे फॉर्मूले का रिवीजन कर लो, बेस्ट तरीका यही होता है। कॉस एक्स का रिवीजन करा, या टेन एक्स का रिवीजन करा, ई पावर एक्स का रिवीजन करा, ई पावर माइनस एक्स का लॉग, ये स्टैंडर्ड है इनका, ये अक्सर याद में नहीं रहती, ये तो रहती हैं,
ए वन प्लस एक्स पावर एन का, ये सब एक्सपांशन फॉर्मूले के रिवीजन करो। लास्ट टाइम में सबसे अच्छा तरीका होता है पेपर लो, पेपर सॉल्व करो और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो प्रॉपर्टीज हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड चार क्वेश्चन और क्या क्या हो सकते हैं वो सोचो, हो गया। ये सबसे बेस्ट पढ़ाई, आप बार बार वही पढ़ोगे, लिमिट पढ़ने बैठ गए डिफरेंशिएशन तो कभी भी कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब जब आप प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे ही सीरीज लगाओगे, है ना, जैसे ही सीरीज लगाओगे, ये क्वेश्चन अभी जेई में भी आया था और यहाँ पे भी लगाया, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एक्स फोर बाय फैक्टोरियल फोर, ये चलेगा और इसके साथ माइनस वन माइनस वन प्लस एक्स अपॉन, क्यों ऐसा आएगा कि, है ना। अब देखो यहाँ पर ये वन हो जाएगा ब्रैकेट, ये वन से ये वन कैंसिल, यहाँ पर एक्स की डिग्री टू मिली, ये वन से ये वन कैंसिल, यहाँ पर एक्स की डिग्री वन मिली, तो ओवरऑल डिग्री थ्री, तो एन को क्या होना चाहिए, थ्री होगा तो हो जाएगा, यस और नो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिक्स सिक्स एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं मानते क्योंकि इसमें एरिया बनाने में टाइम लगता है, अभी कैसे करेंगे कर लेते हैं, उसमें कॉमन कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे क्या क्या बोला गया, पहले तो ये देखिए। सबसे पहले दिया एरिया ऑफ द प्लेन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स, पर x बिलोंग टू क्या, यानी ये वन पे कर्व खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा कर्व दिया है y इक्वल टू, पर ये कहाँ से स्टार्ट है, ये कहाँ पे खत्म स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, टू तक। और फिर तीसरा एक और कर्व दिया है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, ये कहाँ से कहाँ तक है। अब थोड़ा लॉजिक समझना, इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के लिए कोई बहुत फेवरेबल क्वेश्चन नहीं होता, एग्जाम में तो छोड़ना ही है क्वेश्चन को, इसकी जगह दो रीजनिंग कर लेंगे ज़्यादा अच्छा है, बट अभी करके देख सकते हैं हम। अब अगर अभी करेंगे तो क्या होगा, एक तो ये पैराबोला है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू, इसको इधर लाए टू एक्स इधर आएगा तो माइनस टू एक्स, यहाँ वन अपनी तरफ से ऐड कर दिया परफेक्ट स्क्वायरिंग के लिए, वाई को उधर लेगा तो माइनस वाई प्लस फाइव, देखिए बैलेंस है कि नहीं, है ना बैलेंस, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, तो इसके वर्टेक्स हो गए वन कॉमा वन कॉमा, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वर्टिकली। अब ऐसे क्वेश्चन को इसको करोगे ना आप, सही में टाइम लग जाएगा। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रूट एक्स का ग्राफ, तो कहाँ तक जाना है, जीरो से, तो जीरो से वन तक ये इतना ही गया, वन पे वन ही मिलेगा। फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता कुछ ऐसा है ना बेटा, ठीक है, पर ये स्टार्ट यहाँ से होगा, कहाँ से, वन से ही बोला है, क्योंकि क्यों ये वन से स्टार्ट होगा, थोड़ा ऐसा कर्व जाएगा, और कहाँ तक जाना है अपने को इसको लेके, टू तक ऐसा मान लो, थोड़ा ये टू तक, ये रूट एक्स का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब इसके बाद ये भी एक बनाना है जो कि जिसके वर्टेक्स क्या है, वन कॉमा वन कॉमा फाइव, मतलब यहाँ कहीं होगा। अब ये एक्स एक्सिस पे कहाँ मिलेगा, तो वाई को जीरो रख दो, एक्स की वैल्यू निकाल, वाई को जीरो रख दो, तो वाई को जीरो रखा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर वाई को जीरो रख दिया आपने मान लो, तो एक तरह से ऐसा मिला ना, यही प्लस माइनस वन मिलेगा, ऐसा भेजेगा ना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, या ऐसा भी बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, फैक्टर बन जाएंगे इसके, नहीं बनेंगे कोई बात नहीं, पर इसके फैक्टर वैसे तो निकल जाएंगे ना, क्या क्या आएंगे अगर फॉर्मूले मेथड से करूं तो, हाँ एक्स इक्वल टू टू। अब आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन को क्यों नहीं करना है, पहले बी स्क्वायर फोर प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी, क्यों टू रूट बाय टू, तो एक मिलेगा टू प्लस टू रूट फाइव, और एक मिलेगा टू माइनस, अच्छा टू का डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये मिलेगा एक वन प्लस रूट फाइव और एक वन माइनस रूट फाइव, यहाँ कहीं होगा क्यों,
और वन प्लस रूट फाइव, वन प्लस रूट फाइव यहाँ कहीं होगा और ये वन फाइव, तो ऐसा कुछ कर्व बन रहा होगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। तो तीन अलग अलग पार्ट है, ये कहाँ पे मीट कर रहा है इस पॉइंट को, इस कर्व को कहाँ मीट कर रहा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख देना, यहाँ वाई की जगह रख दो कितना, एक्स स्क्वायर, तो बोलो कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, या टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू एक्स प्लस, तो एक्स इक्वल टू टू और माइनस वन तो होगा नहीं, तो वही मैंने आपको बोला कि वो पॉइंट वो मिल ही रहा होगा, एक्चुअल में यही पॉइंट होगा ठीक टू का, नहीं समझे, यही पॉइंट होगा टू का। आप तीन चीज़ें समझ लो, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये ई वन ई टू, और आप समझ में आ गया क्वेश्चन, हम क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया और आंसर याद रहा तो हमारा टाइम बच जाएगा, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होगा जो बाकी सब नहीं करने वाले, इसलिए प्रैक्टिस के समय कर लो। आप देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो से वन में किसको इंटीग्रेट कर दो, रूट एक्स को, फिर बोलो वन से टू में एक्स स्क्वायर को, और फिर टू से क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलेगा, एक्चुअल में ये पूरा एरिया निकलेगा, ये पॉइंट क्या आया, ये पॉइंट कुछ और आया था ना, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया था, वन प्लस नहीं, वन प्लस रूट फाइव तो हो ही नहीं सकता, ये तो टू था, वन प्लस रूट फाइव तो यहाँ कहीं होगा, है ना, पर क्या चीज। अब देखो इसमें एक चीज़ याद रखना, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिला तो ये ई थ्री मत करना, बल्कि इसमें क्या करना, ये तो सही निकाला आपने, ये कर्व यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए और स्टार्ट कहाँ पर होगा, जीरो पर, तो जीरो से टू में समझिएगा, ये वाले पार्ट का कोई मतलब नहीं है, इस ग्राफ को समझाने के लिए ऐसे डैश 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 बनाओ, इसको भी समझाने के लिए ऐसा बनाओ, पर एक्चुअल में ये जो है ना, ये वाला एरिया रिक्वायर्ड एरिया होगा। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, तो इस पूरे एरिया में से ये वाले दो एरिया माइनस कर दो, तो पहले ये अलग से निकाल लो आप, तो अगर आपने अलग से निकाला तो x की पावर 3 बाय 2 अपॉन बोलो 0 टू 1, ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3 1 टू 2, अब आपने यहाँ 1 रखा तो मिला 2 बाय 3 प्लस, इसको निकालो 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, तो 2 बाय 3 प्लस 7 बाय 3 यानी 9 बाय 3 यानी 3, ये नहीं बोला आंसर। अब आपको केवल ये करना है कि 0 से 2 में, क्योंकि ये वाला जो कर्व है ना, ध्यान देना, हमने ध्यान दिया था जीरो से टू में ही डिफाइंड है, तो इसको जीरो से टू में निकालो, कहीं एक्स एक्सिस बोला नहीं है, तो जीरो से टू में आपने इसको निकाला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ऑफ फोर डी एक्स, बोलो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू, टू से टू कैंसिल फोर एक्स, क्यों अब टू रख दो तो माइनस एट बाय थ्री प्लस फोर प्लस एट ट्वेल्व, थर्टी सिक्स माइनस एट 28 बाय 3, इसमें से वो एरिया को माइनस कर दो, तो 28 बाय 3 माइनस 3 तो 19 बाय 3 है, पर एग्जाम के हिसाब से कभी भी ये, बल्कि बनता तो भी ये फेवरेट क्वेश्चन नहीं हो सकता, भले ही आता है तो भी, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके कई सारे लॉस हो सकते हैं ना, अभी नोट कर लो इसको। यस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंशिएशन का बेसिक क्वेश्चन है, जो सीधा सीधा प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स कितना, पाई बाई टू, और इसका डिफरेंशिएशन, और ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 8 क्वेश्चन में आपको ये दिया है वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और ये सेक इनवर्स है तो इसे कॉस इनवर्स लिख लोगे, तो खैर समझाने के लिए लिख दिया, अदरवाइज इसको तो मेंटली इसके लिए पेन नहीं उठाना है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन दिस इक्वल टू एंड डी वाई बाई डी एक्स दिस इक्वल टू जीरो, है ना।
फिर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अगर 11th पे आप ध्यान दो तो 11th में देखिए क्या करा है। 11th में बोला है, 11th में बोला है f such that real tends to real, g such that real tends to real, और फिर बोला है r continuous function। अब माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो दिमाग में सबसे पहले ये प्रॉपर्टी आना चाहिए, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एफ एक्स डी एक्स, टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है। कब? जब f लिमिट माइनस एक्स एफ एक्स हो, वो सॉरी f माइनस एक्स एफ एक्स हो, यानी इवन फंक्शन। और अगर यही रिजल्ट जीरो होता है जब f माइनस एक्स क्या हो। अब अक्सर माइनस ए टू प्लस ए का क्वेश्चन आए तो 99% चांस है कि यही होगा। आप पढ़ाई इतने अच्छे से करोगे आपको पता हो कब क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पर ये माइनस एट है, या तो ये लगेगी प्रॉपर्टी या नीचे वाली, कोई ना कोई प्रॉपर्टी दोनों में जरूर लगेगी। अब क्या लगेगी वो देखो। अब इसमें दिया है एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, राइट, और इधर दिया हुआ है जी एक्स माइनस जी। अब अगर मैं ऑड फंक्शन को वेरीफाई करने की कोशिश करूं तो इस सिंपल आप ऐसा बोलोगे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, बोलो ये एफ माइनस एक्स हुआ, ये एफ एक्स हो गया, यहाँ पर जी माइनस एक्स हुआ और ये जी। अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लूँ तो यही बन जाएगा, तो माइनस एफ एक्स बनेगा, आंसर विल बी जीरो। ये जो डिस्कशन है ना, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, इनसे एकदम फर्क पड़ेगा आपके रिजल्ट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर देखो आप तो कैलकुलस का, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभार एक आध क्वेश्चन लेंदी होता है, कैलकुलस में भी कभी कभार हो सकता है, पर आप ओवरऑल फेवरेट टॉपिक्स होने चाहिए आपके ये। अब देखो 16 क्वेश्चन तो सीधा सीधा है, क्या बोला है एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स इक्वल टू कितना है, टू है। देन द वैल्यू ऑफ एफ 1 अपॉन 2001 प्लस एफ 2 अपॉन 2001 एंड एफ 2000 अपॉन 2001। अब इसमें एक सीधा लॉजिक है, इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी ये कंडीशन दी हो तो बिल्कुल कंफर्म है कि फर्स्ट और लास्ट फैक्टर में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट। ये फंक्शन का एक बहुत ही स्टैंडर्ड कॉमन क्वेश्चन है। आप अगर देखो 1 अपॉन 1002, ये ऐसा है ना, इसको भी तो आप ऐसा लिख सकते हो चाहो तो, यस और नो, एलसीएम लेंगे तो यही बनेगा। और इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं एक्स मानूं तो देखो ये क्या है, 1 माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये एक फर्स्ट और लास्ट फिगर मिलके 2 बनेगा। तो ऐसे 1 2 3 कहाँ तक है, 2000, तो 2000 तो फैक्टर है और उसकी पेयरिंग करिए तो 1000, तो 1000 फैक्टर हैं और हर फैक्टर की वैल्यू 2 है, तो नेट रिजल्ट विल बी 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरा क्या है, 41 तो एक्सपोनेंशियल सीरीज के एक बेस प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो तो लिमिट में एक क्वेश्चन पढ़ा हमने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस n पावर 1 बाय n, बोलो कितना होता है, e होता है, और इसको याद 1 पावर n और यहाँ 1 बाय n होगा। इसको याद है, इसको ऐसा भी लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू 0 होगा तो ये ऐसा होगा, दिस इज e। अगर ये ऐसा है n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a बाय n की पावर n, तो e पावर a, और इसको याद मैंने ऐसे रखवाया हुआ है कि 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो तो e, तो जो आपको e की वैल्यू कितनी होती है 2.73, यानी 2 से ज़्यादा और 3 से
कम. अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल वही दिया है उसी फॉर्म में, वन प्लस वन बाय एन टेंस टू एन. तो क्या हो जाएगा इसमें, थोड़ा सा इसमें डेटा पूरा नहीं लिखा हुआ, तो इसमें हो जाएगा टू टू, बोलो टू टू थ्री के बीच में होगा ये, है ना. ये है कंसेप्ट. नेक्स्ट देखिए 42 क्वेश्चन क्या है. 42 क्वेश्चन में बोला गया है 0 to π/9 sec, सिंपल क्वेश्चन है, sec 3x tan 3x अपॉन 2 प्लस sec 3x पावर 1/3 डी एक्स इज इक्वल टू, सिंपल है. 2 प्लस sec 3x को ही t मान लो, क्यों, तो 2 का 0 sec का 3 sec 3x tan 3x डी एक्स इक्वल टू, बोलो ये पूरा बन गया dt. लिमिट चेंज करो जरा, 0 रखो यहाँ, तो sec 0 होता है 1, तो 2 प्लस 1 कितना 3, तो 0 पे 3, यहाँ पाई बाई 9 रखो, तो पाई बाई 9 रखा तो कितना पाई बाई 3 बचेगा, तो sec पाई बाई 3 होता है 2, तो 2 प्लस 2 कितना 4, है ना, कितना 1/3 बाहर हो जाएगा, बोलो dt अपॉन t की पावर 1/3, 1/3 बाहर आएगा ना, ये तो नीचे जाएगा, ठीक है. अब ये 1/3 के साथ बोलो 3 to 4 t की पावर माइनस 1/3 dt, तो क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर रहने दो, बोलो t की पावर प्लस 1 करोगे तो 2/3 अपॉन 3 ऊपर जाएगा तो कैंसिल, तो 1/2 t की पावर 2/3 3 to 4 वैल्यू रख दो बस. तो आपने जब 4 रखा तो क्या होगा, बोलो 4 की पावर 2/3 माइनस 3 की पावर 2/3, चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 का क्यूब रूट बस. चलिए एक और क्वेश्चन है देख लेते हैं, वो भी लास्ट 48, क्या क्वेश्चन है समझते हैं. 48 क्वेश्चन में बोला क्या क्या गया वो देखिए. सबसे पहले 48 क्वेश्चन में है dy/dx इफ y इक्वल टू साइन x कितना x स्क्वायर 1 प्लस t dt. ये तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल में क्या होता है, अपर लिमिट इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, बस ये आंसर होगा. अगर लोअर लिमिट मान लो 0 हो तो अगर, हाँ वो भी कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर दो फिर डी वाई बाई डी एक्स कर दो, सेम आएगा पर ये ज़्यादा इजी है. चलिए 2009 पे आते हैं जरा, कैलकुलस के क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से, कभी कभी कम भी आ जाते हैं कभी कभी ज़्यादा भी. तो 2009 में आइए, सबसे पहले नंबर बोलिए 6 है, बिल्कुल ठीक है. देन 6 के बाद 11 जो है, हाँ हाइडेंस टेस्ट वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, है ना. 11 है, इसके बाद है 21 है, 21 के बाद, हाँ 33 एरिया का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है. हाँ 37 है और 44 है बस.
चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। देखिए सिक्स क्या है, 2009 पेपर के क्वेश्चन है। जीरो टू पाई, जीरो टू पाई कितना बेटा बोलो, एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक प्रॉपर्टी हम जब लगाते हैं कि भी प्रॉपर्टी होती है, जीरो टू ए एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट बाय टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स वैन, कंडीशनल है वैन एफ लिमिट माइनस एक्स डेफिनेट की प्रॉपर्टी अच्छे से करिए, एफ एक्स होना चाहिए। अब मैं बोलूँ साइन पाई माइनस एक्स, ये पूरा एफ एक्स हो गया, क्यों साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स होता माइनस है बट यहाँ स्क्वायर होने से प्लस हो गया, तो ये डायरेक्टली हो गया लिमिट बाय टू, ये हो गया जीरो टू पाई बोलो साइन एक्स अपॉन वन प्लस डी एक्स, यस और नो? अब आपको देख के समझ में आ रहा है, अगर आप कॉस एक्स को टी मान लो तो इसका डिफरेंशिएशन है वन प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है टेन इनवर्स, पर ये पहले इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है ना, तो सॉरी जीरो टू टू वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, इसमें लग जाए वो लगा दो आप इसमें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी मेथड से करोगे तो इसको टी मानना है आपको। हाँ इसको टी मान लिया आपने, मान लो कॉस एक्स को मान लिया टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू बोलो डी टी, और ये हो जाएगा पाई बाई टू जीरो पे बोलो वन पाई पे माइनस वन डी टी, अब माइनस डी टी अपॉन वन प्लस, अच्छा ये इवन फंक्शन है और ये लिमिट चेंज हो जाएगी तो टू टाइम भी लिख सकते हो, तो पाई जीरो टू वन डी टी अपॉन बोलो या सुन लो टू टाइम भी आएगा ना आगे, एक तो माइनस रिमूव हुआ, माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट को इंटर चेंज करेगा, माइनस ए टू प्लस ए प्रॉपर्टी एक चीज़, और दूसरी बात ये कि ये इवन फंक्शन है तो टू टाइम जो मैं यहाँ पर बोल रहा था आपसे, अब आप इसको डायरेक्टली कर लो पाई बोलो टेन इनवर्स टी जीरो टू वन, तो वन कितना होता है तो पाई स्क्वायर बाय फोर इज अ राइट आंसर। नोट करो क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 11 देखते, देखिए क्या है 11th क्वेश्चन, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का है। क्या क्वेश्चन है, इसको आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में उलझने के चांस होते हैं, तो देख लो क्या क्वेश्चन है। वाटर रन इनटू अ कोनिकल टैंक्स ऑफ रेडियस 5 फिट एंड हाइट 10 फिट। एक कोनिकल टैंक है, इस तरह का एक टैंक होगा जिसका रेडियस है 5 और हाइट कितना है, हाइट कितना है 10 फिट और रेडियस कितना है 5 फिट। इसमें पानी इंटर हो रहा है ना, तो पानी जब इंटर हो रहा है तो आपसे पूछा गया है क्या, बोला सुनो क्वेश्चन, वाटर रन इनटू अ कोनिकल टैंक ऑफ रेडियस 5 फिट एंड हाइट 10 फिट एट अ कांस्टेंट रेट 2 फिट क्यूब पर मीटर। इससे पता चलता है कि डीवी बाय डीटी कितना दिया है 2 फिट क्यूब पर मिनट दिया ना, 2 फिट क्यूब पर मिनट। हाउ फास्ट इज द वाटर लेवल राइजिंग व्हेन द वाटर इज 6 फिट डेप्थ, मतलब जब हाइट कितनी हो जाए 6 फिट, तो आपको बताना है किस रेशो में ऊपर और जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे हाइट कम, यहाँ पर क्या होगा वाटर कम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वाटर फैलता जाएगा टैंक, तो पानी का लेवल किस रेशो में ऊपर बढ़ रहा है ये पूछा है, जबकि वॉल्यूम किस रेशो में बढ़ रहा है 2 फिट क्यूब पर मिनट में। अब वॉल्यूम क्या होता है, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आपसे पूछा ये गया है डी एच बाय डी टी वैन एच इक्वल टू 6 फिट, यही है ना। अब इसका मतलब ये कि आर की वैल्यू अगर इन टर्म ऑफ एच निकाल दें, अगर कभी भी याद रखना डी आर बाय डी टी पूछें तो क्या करना पड़ेगा, एच को आर के टर्म में निकाल दो, अभी आर को, अब वो कैसे निकाल सकते हो, तो इनका रेशो दिया आपको एच और आर का, क्या दिया रेशो एच अपॉन आर इक्वल टू बोलो एच कितना है 10, आर कितना है तो एच अपॉन आर इक्वल टू 2 या आर इक्वल टू एच बाय 2 है ना, ये यहाँ पर रख दो, तो v इक्वल टू 1/3 पाई एच स्क्वायर बाय 4 इंटू एच, ये स्टेप समझाने के लिए लिखिए, आप मत लिखना इतनी इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाय dt क्या आएगा, dv बाय dt बोलो 3 बाय तो 1/4 पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच बाय डी टी,
ये कितना दिया है, टू, तो टू अप इन टू अपॉन, ये फोर ऊपर चला जाएगा, क्यों, पाई एच स्क्वायर इक्वल टू बोलो डी एच बाय डी टी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बोलो, एट अपॉन पाई एच कितना दिया है सिक्स, तो सिक्स इंटू सिक्स इक्वल टू डी एच बाय डी टी, तो कितना कैंसिल, 36 हो गया ये, तो टू बाय नाइन पाई इक्वल टू डी एच बाय, दिस इज द राइट आंसर। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए 21 क्या क्वेश्चन है, ये डिस्क का वो उसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में करते थे बिल्कुल उसी तरीके से करना है। ग्रेटेस्ट देखो क्या है क्वेश्चन 27, लेट एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ द इंटरवल 1, 2 वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कितने पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा अपने इंटीजर वैल्यू पे नेचर बदलता है, जैसे 0 से 1 में क्या होता है 0, 1 से 2 में क्या होता है बेटा 1, है ना, फिर कंटिन्यू रहता है। अब इसमें हो सकता है क्लोज इंटरवल दिया हो सकता है ओपन, अगर मान लीजिए क्लोज या ओपन इंटरवल ही दिया, अगर ओपन इंटरवल दिया तो भी समझ लो, नहीं दिया तो भी। सबसे पहले तो एक बात समझें कि स्क्वायर को कब कब इंटीजर मिलते हैं, तो अगर मैं 1 और 2 के बीच में देखूं तो मुझे दो वैल्यू मिलती है, एक रूट टू और एक रूट थ्री, रूट टू रखने पे कितना मिलेगा ये 2, 2 माइनस थ्री कितना, जहां जहां नेचर चेंज होगा पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी मिल जाएंगे। 2 रखा आपने, रूट टू रखा मान लो, तो क्या मिला 2, और 2 रखने पे क्या मिलेगा, और 1 रखने पे क्या मिलेगा, 1 रखने पे -2, 1 रखना नहीं है पर 1 रखते तो कितना, और देखो ऐसा सोचो कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी होती तो क्या मिलता, सबसे पहले बताओ -2, अगर ठीक रूट टू रखी होती तो -1 मिलता, अगर ठीक रूट थ्री रखी होती तो 3 -3 0, अगर ठीक 2 रखा होता तो, है ना, पर अभी तो ये ओपन इंटरवल दिया है, ओपन ही दिया है क्लोज दिया है, मैंने आंसर क्या दिया है, चेक करो आंसर क्या दिया है, तो अब एक बात समझो कि यहां पर 1 तो आपको लेना नहीं है, है ना बेटा, 1 लेना नहीं है, 1 पे कितना आ रहा था, ये 1 पर है, 1 लेना नहीं है, 2 भी नहीं लेना है, तो इसके बीच में ये दो पॉइंट है जिन पे ब्रेक हो रहा है, तो कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, 2 पॉइंट्स पे। अगर ये क्लोज होता तो फिर हम बात अलग करते, पर अभी ये क्लोज नहीं है, ओपन है, तो 2 पॉइंट पे इसकी डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, कौन कौन से, रूट टू पर और रूट थ्री पर, जहां पर इसका नेचर चेंज होगा। क्लोज होता तो ये वाले पॉइंट भी हो जाते, 1 से रूट टू में भी एक मिल जाता, पर वो स्टार्ट वहीं से होता। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए 33 क्या क्वेश्चन है समझते हैं, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, क्या करेंगे, द स्मॉलर ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 2 - x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, तो स्मॉलर एरिया बोला, अगर आप ध्यान दो ये क्वेश्चन पहले राउंड में किया जा सकता, सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस y इक्वल टू ये 2 है, अच्छा ये सर्कल है इसका एरिया भी 2 ही होगा, क्यों, ये 2 0 होगा और ये, और बाई चांस इसके भी इंटरसेप्ट 2 2 है, तो ये लाइन ऐसी हो गई। तो अब दो तरह के एरिया बन रहा है, बताओ कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये भी पूरा तो है सर्कल के साथ, तो आपको स्मॉलर वर्ड क्यों दिया बोलिए, क्योंकि कन्फ्यूजन ना, तो आपको स्मॉलर बोला तो ये, लार्जर बोला तो ये। अब इसको हम बिना इंटीग्रल के करेंगे, कैसे, कि इस वाले एरिया में से ट्राइंगल को माइनस कर दो,
तो ये 1/4 एरिया सर्कल का, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ ट्राइंगल का एरिया, तो हाफ 2 इंटू 2, क्यों ये लेंथ 2 है ये लेंथ 2 है, तो ये पाई माइनस कितना बचा, पाई माइनस 2, यही आंसर हो गया, पाई माइनस 2 आंसर हो गया। चलिए 37 देखो क्या क्वेश्चन है। 37 में थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, ऐसा बोला है कि y इक्वल टू fx इज ऑड एंड डिफरेंशियबल फंक्शन, ऑड एंड डिफरेंशियबल फंक्शन डिफाइंड इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है वो एक्चुअल में, या माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा भी हो सकता है, सच डैट एफ डैश 3 इक्वल टू बोलो माइनस 2 देन एफ डैश माइनस 3। तो इसमें इस तरह का फंक्शन मान लो, अब ऑड डिफरेंशियल फंक्शन है, मान लो मैं ले ही लूँ माइनस 2x, तो क्या दिक्कत है। अब मैं एफ डैश एक्स करूँ तो बोलो कितना आएगा, अब इसमें आप चाहे रख दो माइनस 3 या आप रख दो माइनस 3, सेम ही आंसर रहेगा। चलिए 2010 पेपर पे आ जाओ जरा, क्या दिया 2010 पेपर में बोलिए। अब देखो एक जैसे 83 73 भी है, यस 73 भी है, 73 83 85 फिर है, बोलिए 102 104 क्यों 102 104 106 108 111 112 15 एंड 16 राइट। चलिए इनको करते हैं, चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या क्वेश्चन है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ अ लेंथ ऑफ शेडो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ 2 मीटर हाइट ड्यू टू द लैम्प पोस्ट 10 मीटर हाई, ये 10 मीटर हाई लैम्प पोस्ट है, ये 2 मीटर हाई पर्सन है, इसका एक शेडो आ रहा होगा है ना। आप बोला गया है शेडो ड्यू टू लैम्प पोस्ट 10 मीटर हाई, व्हेन ही इज मूविंग अवे फ्रॉम इट द रेट इज 2 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको dx/dt कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, इसको मान लो x और इसको मान लो y, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि इसमें अगर आप सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट लगाओ तो 10/2 इक्वल टू बोलो x plus y upon y, तो ये 5y इक्वल टू x plus y या 4y इक्वल टू बोलो x, डिफ्रेंशिएट करो 4 टाइम्स ऑफ dy/dt इक्वल टू dx/dt, तो dy/dt कितना हो गया बोलो, ये दिया है 2 और ये डिवाइड कर दो तो 1/2 मीटर पर सेकंड। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि क्या 83 क्वेश्चन को समझिएगा। 83 क्वेश्चन में बोला है, इसमें इंटीग्रल दिए हैं कंपेयर करना है, क्या क्या दिए देखिए, I1 दिया है 0 to 1 2x2 dx राइट। इसका मैं बेसिक प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको, आप मेंटली कर लेंगे। I2 कितना दिया है 0 to 1 2x3 dx, I3 बोलो 1 to 2 x3 x2, और I4 बोलिए
वन से टू टू पावर। अब एक सीधा लॉजिक एक याद रख लीजिएगा आप, जैसे मान लो मैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखूँ और ए टू बी जी एक्स डी एक्स लिखूँ। अब ये मान लो थोड़ी देर के लिए आई वन है और ये मान लो आई टू है। अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, मान लो किस में, एक्स बिलोंग टू ए बी में, गिवन इंटरवल में जिस फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी इंटीग्रल भी उसी का ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई वन इज ग्रेटर देन आई टू। ये सीधा लॉजिक और ये कंपेयर बहुत करते हैं, जेई तक में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब एक चीज़ समझिएगा आप कि एक और बात याद रखना है, बहुत ही काम का कंसेप्ट है कि अगर एक्स बिलोंग टू जीरो वन है तो स्क्वायर भी जीरो से वन होगा, एक्स क्यूब भी और पर छोटा होता जाएगा। अगर एक्स मान लो पॉइंट वन है तो एक्स स्क्वायर और छोटा होगा। तो जीरो से वन में इसका एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में किसकी वैल्यू कम होगी? तो इसका मतलब अगर इसमें कंपेयर करें तो अभी इसके हिसाब से देखें तो आई वन इज ग्रेटर देन, अच्छा वन के बाद रूल अलग हो जाता है, वन से टू के बाद जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे बढ़ती जाएगी, इसमें देखें तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? हाँ तो आई फोर इज ये। अब इसमें से जो ऑप्शन दिया वो देख लो, मैं तो आपको अभी जनरल बता रहा हूँ कंसेप्ट। जिसका इंटीग्रल ज़्यादा होगा, जिसकी इंटीग्रल की वैल्यू, उसका इंटीग्रल भी बड़ा होगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 85 क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। 85 क्वेश्चन में बोला गया है जीरो टू पाई बाई फोर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन थ्री प्लस साइन टू एक्स डी एक्स। इसको करने के पता दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि आप चाहें तो इसे ऐसा लिख लें, जीरो टू पाई बाई फोर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन फोर प्लस, देखना ध्यान से, फोर प्लस वन माइनस, फोर माइनस लिख लो बल्कि, फोर माइनस वन माइनस साइन टू एक्स, नहीं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। पहले इसको बैलेंस करते हैं। इसको ओपन करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो जाएगा, साइन टू एक्स, और इसको ओपन करोगे तो थ्री मिलेगा, थ्री प्लस साइन टू एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा पूरे का, आप इसको भी बल्कि ऐसा लिखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स। यस और नो? ये तरीका हो सकता है, वो भी लिखा रहता तो चलता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या करना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को बोलो टी, डिफरेंशिएशन बोलो प्लस डी एक्स इक्वल टू, लिमिट भी चेंज कर दो, जीरो पे बोलो माइनस वन, पाई बाई फोर पे जीरो, पाई बाई फोर पे जीरो क्योंकि वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू। अब ये बोलो कितना हो गया, डी टी अपॉन फोर माइनस टी स्क्वायर, या इस लिमिट, ये क्लियर है? अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा जीरो टू वो वन बाय टू ए वाला, तो वन अपॉन टू ए लॉग टू माइनस टी अपॉन ए प्लस टू प्लस टी अपॉन, हाँ इसमें कन्फ्यूजन होता है हमेशा, जीरो और माइनस वन। अच्छा लॉग के टर्म में कभी भी इंटीग्रल की लिमिट आए तो एक डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखना, लॉग ए माइनस लॉग बी आता है तो लॉग ए बाय बी लिख सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट आदत होना चाहिए। तो वन बाय फोर बाहर छोड़ो, बोलो लॉग, सबसे पहले जीरो रखो तो लॉग वन मिला एक तरह से, और माइनस माइनस वन रखो तो ये मिला वन अपॉन थ्री, क्यों लॉग वन जीरो, और इसको लिख सकते हो माइनस लॉग थ्री तो प्लस हो गया, तो वन बाय फोर लॉग थ्री।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 102 एरे का क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। 102 में आपसे क्या क्या बोला समझिए। 102 क्वेश्चन में है, द एरिया बिटवीन द कर्व, द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एरिया वाला क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बोला पहले मत करो तो अच्छा है, पर अभी प्रैक्टिस में तो कर ही सकते हो। एक्चुअल में ये ऐसा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस वाई या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, यस और नो। तो ये जो है ये पैराबोला ऐसा है, और ये वाला पैराबोला इसका वर्टेक्स कहाँ है, 0.2, 0.2 यहाँ होगा। एक बात डाउन, हाँ उल्टा होगा, वर्टेक्स है वो, तो ये वर्टेक्स लिखता हूँ, वर्टेक्स से ग्राफ टर्न होता है, और एक्स की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू 0 रखो तो एक्स मिलेगा प्लस माइनस रूट 2। तो इसका मतलब ऐसे जा रहा है, ये है माइनस रूट 2.0, ये पॉइंट है रूट 2.0, ये है लॉजिक। और इसका एरिया ऐसे निकलेगा, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालो, इस पॉइंट पे इस वाले कर्व का एरिया निकल जाएगा ऐसे, क्यों? और उसमें से क्या करोगे, ये वाले नीचे वाले कर्व के एरिया को माइनस कर दोगे। अब आपको इसके लिए लगेगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी रख दो, एक्स स्क्वायर रखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये आ गया कितना, ये पॉइंट अलग था, ये माइनस रूट 2, ये बोलो कितना आ गया, माइनस 1.0, ये बोलो ठीक है। अब इसको दो बार मत करो, एक बार में भी निकाल दो और उसका ओवरऑल 2 टाइम कर देना, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल के ये वाला माइनस करेंगे पूरे का, तो 2 टाइम्स ऑफ, अब देखना बोलो 0 to 1, ऊपर वाला कर्व क्या है, ये माइनस ऑफ बोलो 0 to 1 dx, इसका 2 टाइम्स, बस आप कर दो आप, तो ये हो जाएगा 2x माइनस बोलो x³/3 0 to 1 माइनस बाय 3 0 to 1। अब वैसे चाहो तो इसको एक साथ कर सकते थे, ये दोनों सेम थे इसलिए, पर ठीक है। 2 टाइम्स अब कितना आ जाएगा बोलो, 1 रखोगे तो 2 माइनस 1/3, तो 5/3 माइनस ऑफ, यहाँ 1 रखो तो कितना 1/3, 4/3 मतलब 8/3 इज द राइट आंसर, नोट करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 104 क्या क्वेश्चन है, 104 देखिए, 104 में बोला है, 104 में क्या बोला देखो, 104 में दिया है log base 10x, सीधा सीधा फॉर्मूला ही हो गया, क्यों? इसमें आप ऐसा लगाओगे log x अपॉन log 10, log 10 तो बाहर लिख दोगे, तो 1/log 10 मतलब ये 1/log 10 बाहर लिख दो, इसका क्या हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1 या x जो लिखना चाहो। अब इस टर्म में दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1/log 10 एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन ई। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि एक्स इंटू लॉग बेस 10 एक्स अपॉन ई, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बेस चेंजिंग फॉर्मूला, मतलब अभी मैंने ऑप्शन ही देखे, बता रहा हूँ कि ऐसा आदत में होना चाहिए आपके कि कुछ भी आंसर्स को दे सकते हैं, वो 10 बेस ले सकते हो, ई ले सकते हो, ई ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, 106 में क्या दिया है, 106 में दिया हुआ है 3 to 6 रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स।
ये तो सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय टू, तो थ्री बाय टू ये वाली प्रॉपर्टी है, ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी है, सुनो। हाँ ये प्लस बी है तो इसमें ए प्लस बी माइनस एक्स आता है, और इसका होता है अपर माइनस लोअर बाय टू। ये था 106, फिर आते हैं 108। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 108 जो है वो स्टैंडर्ड है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर ये जीरो दिया है। अब ये स्टैंडर्ड है, ये आपने थ्योरम भी पढ़ी होगी, क्योंकि जब आप जीरो प्लस एच लेते हैं तो एक्चुअल में ऐसा लिखते हो आप एच साइन, अब इसमें क्या होता है एच और ये माइनस वन से प्लस वन में ऑक्सीलेट करता है, तो ओवरऑल आंसर जीरो मिलता है। और ऐसे ही जीरो माइनस एच लेते हो तो माइनस एच साइन माइनस वन बाय एच, ये वापस वही हो जाता है और ये फिर वही जीरो से वन में ऑक्सीलेट करता है, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो ये कंटिन्यूस होता है। तो इसका क्या आंसर होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 111 क्या क्वेश्चन है, 111 सुनिए। 111 क्वेश्चन में बोला है एफ एक्स इक्वल टू 1/√1 − x प्लस 1/√ बोलो, देन द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन। डोमेन पूछा है, डोमेन कभी भी पूछी जाए तो जब टू और मोर देन टू फंक्शन होते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन, पहले इंडिविजुअल देखेंगे। अच्छा रूट एक्स की डोमेन होती है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और 1/√x की होती है एक्स केवल। तो अगर मैं इसका समझूं तो आप बोलोगे 1 − x > 0 यानी एक्स लेस देन 1, इसका स्केल है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, 1 ओपन है, मतलब अगर मैं इसको लिखता तो ऐसा लिखता। इस पर आए तो x प्लस 3 बोलो, यानी x ग्रेटर देन इसका स्केल में देखूं तो माइनस 3 से इन्फिनिटी, ये 1 पे ख़त्म हो रहा है वो माइनस 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉमन देखें तो माइनस 3 टू 1, क्योंकि ये माइनस 3 से इसके आगे कहीं 1 मिल जाएगा ना, पर ये 1 पे ख़त्म हो जाएगा, तो आपको जा तो कहीं तक सकते हो पर ओवरऑल क्या होगा माइनस 3 टू 1। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितना अच्छे तरीके से दिया, ये हो गया कॉमन, अब कंफ्यूज करने के लिए दिया इन दोनों का इंटरसेक्शन, यूनियन थोड़ी बोला है, इंटरसेक्शन बोला, तो सी इज द राइट आंसर। आपने अभी इसका इंटरसेक्शन ही तो लिया, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट, तो ये आंसर लिखा नहीं हो तो ये भी दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं 112 पे, क्या है 112 देखिएगा, 112 क्वेश्चन में क्या बोला है सुनिए। 112 में बोला है एक है, पहले तो पहला बोला क्या है 12 − 10 एफ एक्स डी एक्स कितना है 6, 100 से एफ एक्स डी एक्स माइनस टू ठीक है, और 100 से −5 बोलिए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 4 पूछा क्या है, −5 to 12 एफ एक्स डी एक्स पूछा है, ओके राइट, −5 से कहाँ तक पूछा है। अच्छा ये बताइए ये 100 से −10 तक दिया है ना, ये 10 से −10 तक दिया है, 12 से −10 तक। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हो, कैसे कि पहले बताओ कौन सा ले लें, वो ले लो 100 to −10, −10 के 100 to −5 को ऐसा लिख सकते हो 100 to −5 एफ एक्स डी एक्स, ये तो दिया ही है ठीक है,
एक तो ये काम कर लेते हैं सबसे पहले कि इसमें सभी लिमिट को, ये अपर लिमिट छोटी है और लोअर लिमिट बड़ी है, ये दिया है, सॉरी अपर लिमिट छोटी है और बड़ी और लोअर लिमिट बड़ी है, तो इसको पहले इंटरचेंज कर लो आप, मतलब आप इसको ऐसा लिख लो माइनस टेन टू ट्वेल्व एफ एक्स डी एक्स, बोलो कितना हो गया, माइनस सिक्स। सिमिलरली माइनस टेन टू हंड्रेड, बोलो हाँ प्लस टू। सिमिलरली माइनस फाइव टू, बोलो माइनस फोर। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, माइनस फाइव टू ट्वेल्व। अब आपके पास इसमें माइनस टेन है, अगर माइनस टेन से हम चलना चालू करेंगे तो लॉजिकली बताओ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ माइनस टेन टू, माइनस टेन टू ट्वेल्व है आपके पास, आपको यहाँ पर माइनस फाइव तक जा सकते हो, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस फाइव टू, बोलो माइनस फाइव टू ट्वेल्व एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू। अब ये बताना है आपको, ये बताना है, अब माइनस टेन टू माइनस फाइव तक इन रिजल्ट से जाएंगे क्योंकि इन दोनों में कॉम्बिनेशन है, माइनस कितना जाना है, माइनस टेन से माइनस फाइव तक इसमें से जाएंगे हम। अब देखो इसमें जो ये माइनस, अब देखना यहां से वैल्यू लाएंगे कैसे, ये माइनस टेन टू हंड्रेड है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस टेन टू माइनस फाइव, इसको लिख रहा हूं माइनस टेन टू माइनस फाइव एफ एक्स डी एक्स प्लस, बोलो माइनस फाइव टू हंड्रेड एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, बोलिए टू इक्वल टू टू, इसको ब्रेक करा है और माइनस फाइव से हंड्रेड की वैल्यू कितनी दी है, माइनस फोर, तो यहाँ माइनस फोर रख दो, तो माइनस टेन टू माइनस फाइव एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सिक्स, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स, तो ये सिक्स आ गई तो सिक्स यहाँ रख दो, सिक्स प्लस माइनस फाइव टू ट्वेल्व एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो आपको ओवरऑल आंसर क्या मिल गया, माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व। बस ब्रेक करना है लिमिट को इसमें, बहुत ही केयरफुल होकर ब्रेक करोगे हो जाएगी, पहले सबको छोटे से बड़े में बनाओ और उसके बाद करो। चलिए अब देखिए 115 एंड 16 दोनों सिंपल क्वेश्चन एक है, क्या 115 एंड 16 ध्यान दीजिएगा, 115 में बोला है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो तो सिंपल है, इसको वाई मानते हैं आप और इसको टी माना जाता है लॉजिकली, तो चाहो तो आप इसे ऐसा लिख लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, साइन टी बाई टू, इसको ही डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी टी कितना आ गया, वन बाई टू कॉस टी बाई टू, टी बाई टू की वैल्यू वापस रख दो तो कॉस एक्स स्क्वायर, बस ये आंसर आ गया। और 116 में करना केवल इतना सा, ये आप ही कर लोगे इजीली, फंक्शन मतलब डिफरेंस वो निकालना है पहले, उसका क्या डिटर्मिनेंट, यस एफ एक्स इक्वल टू कुछ ऐसा दिया है, एक्स एट एट टू एक्स एट टू टू, इसको आप सॉल्व करोगे तो एफ एक्स की इक्वेशन बनेगी और फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए 2011 पे आते हैं और देखिए तीन चार साल के पेपर कर लिया, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कोई ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा बेस, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 2011 के क्वेश्चन में बोलिए, नंबर वन 20 भी है, हाँ 20 भी है, 20 फिर उसके बाद 25 पे लाइन से ही है ना, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, राइट,
इतने क्वेश्चंस हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 तो काफ़ी इजी है। क्या क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। द एरिया इनक्लोज विद इन द लाइन, विद इन द लाइन मतलब मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, इसके एरिया की बात कर रहे हैं। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, तो ये पता आपको, एक बार ले लो x प्लस वाई, ये 1 है, ये 1, ये 1, तो ये हो गया हाफ, ऐसी फोर्थ क्वाड्रेंट बनेंगे, तो कितना एरिया हो गया 1/2 × 4 यानी 2 यूनिट। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा 25 पर। अब देखिए 25 क्वेश्चन क्या दिया है। 25 क्वेश्चन में बोला है इफ द फंक्शन एफ सच डैट 1 to infinity tends to 1 to infinity इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, बोलिए 2 की पावर x × देन एफ इनवर्स x। अब आपको मैंने इनवर्स की डेफिनेशन बताई हुई है कि कभी भी इनवर्स का क्वेश्चन आए तो y इक्वल टू एफ एक्स लिखाओ, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा है इसको y मान के करो आप, वो बाद में इसको x के टर्म में कर लो, log लो, तो log y इक्वल टू बोलो x × x−1 log(2). क्लियर? अब इसकी x की इक्वेशन बनाओ तो कुछ ऐसी बनेगी, x² log(2) माइनस, बोलो x log(2) माइनस इक्वल टू, तो x क्या आ जाएगा, x की क्वाड्रेटिक बनाओगे ना, तो x आ जाएगा log(2) प्लस माइनस, बोलो b² इसी टर्म में तो दिए हैं, ऑप्शन किस टर्म में दिए हैं, हाँ इसी टर्म में सॉल्व करके दिए हुए हैं। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, पहली स्टेप में चाहो तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसको अगर इसके साथ ले गए तो ऐसा लिख सकते हो x² − x log y अपॉन log 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2y। देखो इसी टर्म में दिया है, उसको x कर दोगे बाद में y की जगह पे, पर इस ये कर सकते हो आप ज़्यादा ज़्यादा, तो माइनस बोलो कितना log 2y, अगर बार बार वो नहीं लिखना, ऑप्शन देख लेना चाहिए। तो x इक्वल टू बोलो माइनस b, तो 1 प्लस माइनस b² माइनस 4 ac, तो 1 प्लस 4 log बेस 2y अपॉन 2। अब एक बार याद रखना इसमें माइनस वाला पार्ट नहीं होगा, बताइए क्यों, क्योंकि इनवर्स मैपिंग पॉजिटिव 1, 1 on 2 पे डिफाइंड होती है। यहाँ पर आप कुछ भी इनपुट दोगे इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, और वो पहले ही दिया उन्होंने 1 रखने पे, ठीक है ना, 1 से दिया है तो इसका मतलब 1 माइनस वाला नहीं ले सकते, क्योंकि 1 माइनस में ये निगेटिव हो जाएगा, 1 प्लस समथिंग रूट 1 प्लस समथिंग यानी 1 से तो बड़ा हुआ ना, तो 1 माइनस में निगेटिव हो जाएगा, तो केवल ये वाला लोगे x इक्वल टू 1 प्लस रूट, यही इसका कंसेप्ट है, 1 प्लस बोलो 2y/2 एंड दिस इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है, पर इसकी जगह x लिख दो आप, तो 1 प्लस देखिए यही दिया होगा आंसर अपॉन 2, बस माइनस वाला ना ले ले, इस पर थोड़ा केयरफुल रहिए, देखिए एक माइनस भी दिया है, तो वही एक चीज है जिस पर याद रखना है आपको, समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्या क्वेश्चन है 26, देखिए 26 में बोला है, क्या बोला है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ px प्लस qy व्हेन xy इक्वल टू r²। अब ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है, सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, तो px प्लस qy की वैल्यू बोलो कितनी है, r²/x, बस इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो आपने जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो p − q r² / x², एलसीएम ले लिया आपने, तो बोलो कितना जाएगा x²p − q r²/। अब इसको जीरो से इक्वेट करो फॉर मैक्स मिनिमा, जब भी बोला जाए मैक्स मिनिमा जीरो से इक्वेट कर दो, तो ये तो जीरो होगा नहीं, तो x² = बोलो कितना q r²/p, यानी x = प्लस माइनस बोलो √q/p (r)।
अब देखो एक बात समझना, अगर मैं इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करता तो मुझे ये तो जीरो मिलता पर ये प्लस हो जाता, टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन, तो इसका मतलब यहां का जब पॉजिटिव रखते, अभी इस तरह का सेम क्वेश्चन जेई में है, पॉजिटिव रखते तो पॉजिटिव मिलता और पॉजिटिव होता पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पे मिनिमा मिलेगा, तो क्या आएगी एक्स की वैल्यू, रूट क्यू बाय पी इंटू बोलो आर, वो किस में रखोगे, ऑब्जेक्ट फंक्शन में, ये तो एक्स मिला, एक्स की वैल्यू यहां रख दो पहले, तो एक्स की वैल्यू यहां रखो तो वाई मिलेगा, बोलो वाई कितना आएगा, एक्स के रख दो रूट क्यू बाय पी इंटू वाई इक्वल इंटू आर स्क्वायर, सॉरी इंटू आर इंटू वाई इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो वाई कितना आ गया, आर इंटू रूट पी बाय क्यू, राइट। अब बहुत ईजी हो गया, अभी यह ऑब्जेक्ट फंक्शन है तो पी इंटू एक्स बोलो रूट क्यू बाय पी आर प्लस क्यू इंटू आर इंटू रूट पी बाय क्यू, अच्छा इससे पी से पी कैंसिल तो रूट पी क्यू आर प्लस क्यू से क्यू कैंसिल आर इंटू रूट पी क्यू, यानी टू टाइम्स ऑफ आर रूट पी क्यू, ये टेक्निक है इसके सॉल्व करने की। चलिए नेक्स्ट देखते, देखिए 27 क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है 27? 27 क्वेश्चन में बोला गया है, सब अच्छे से अगर बेसिक प्रिपरेशन करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं जा सकता। 27 में बोला है इफ ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द नंबर ऑफ वैल्यू 0 टू पाई बाय 2, सीधा सीधा इंटीग्रल करके लिखते हैं ए स्क्वायर, वैसे ये है क्वेश्चन ए स्क्वायर कॉस 3x बाय 4 प्लस 4 कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स माइनस 20 कॉस एक्स, इसके साथ ए स्क्वायर अलग से है ना, ये बोला है कितना, पर ये गिवन है कि ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है मतलब इंटीजर वैल्यू, तो ए स्क्वायर बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 3x बाय 12 प्लस 3 बाय 4 साइन एक्स प्लस ए माइनस ए कॉस एक्स माइनस 20, ये पूरा आ गया 0 टू, फिर बाद में इसको कंपेयर कर लेंगे लेस देन से, अब पाई बाय 2 रखो, तो पाई बाय 2 रखोगे तो ए स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस 1, तो माइनस 1 बाय 12 प्लस 3 बाय 4, ये 0 ये माइनस 20 ओवरऑल। सिमिलरली फिर इसके बाद माइनस ऑफ 0 रख दो, पूरा ये 0 ये भी 0, केवल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए, केवल ए, दिस वन इज लेस देन इक्वल टू, बस ये इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है तो आपको नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू स्केल पे मिलेंगे। अभी कर लो इसको पूरा, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा 12, तो माइनस 1 प्लस 9 माइनस ऑफ 20, इसी के अंदर था ना वो, जब 0 रख, एक मिनट नहीं, ये 20 वहाँ था, अलग था वो, ये इसके साथ था, माइनस ऑफ 20 प्लस ऑफ ए लेस देन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाय 3, ये कितना मिलेगा 8 बाय 12 यानी 3 बाय 4 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 20 प्लस ए स्क्वायर बाय 3 लेस देन इक्वल टू, यस और नो, पूरा अरेंज करवाओ, एलसीएम ले लो इसका, 9 प्लस 4 हाँ, ये सब सही गया, देख चेक करते हो चलना, 8 बाय 12 है ना, 2 बाय 3 सॉरी 2 बाय 3 और ये ए स्क्वायर बाय 3 है, तो ए स्क्वायर मिल गया, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0, तो ए प्लस 5 ए माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो रूट्स आ गए कितने, माइनस 5 एंड, अब इसके बीच के इंटीजर देखना है, तो माइनस 5 तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 एंड 3 4, अब ये देख लो गिन लो कितने हो गए, गिनो कितने हो गए,
अच्छा एक और बात बोली, इफ ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द नंबर ऑफ वैल्यू, पॉजिटिव में गिनो 0, 1, 2, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो भी नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर है ना, जीरो के बाद से काउंट करेंगे तो कितने आ गए 4। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। काफी सिंपल है खैर ये तो क्वेश्चन है ना, एक स्टेप में हो जाएगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, ये टाइम कंज्यूमिंग था, तो अभी तक एक क्वेश्चन ये आया जिसमें टाइम, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करो। dy/dx अब आपको ये सिंपल पूछा है क्या, √x - 5/√x, तो सीधा सीधा कर लोगे क्या 1/2√x माइनस, अब ये x की पावर -1/2 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 1/2 π/2 एक्स की पावर 3/2, क्यों बाकी उसको पावर ऊपर भी ले जा सकते हो नीचे भी। फिर 29 देखो, 29 में बोला लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी √x + sin x/, अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, अगर कभी भी x टेंस टू इन्फिनिटी दिया हो तो sin x/x या cos x/x बताइए कितना होता है, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी रखते हो और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होती, -1 से +1 ऑक्सीलेट करती है, तो इसको मैं केवल x का डिवाइड कर दो तो ये 1 बचेगा, तो आंसर आएगा 1। ये इसका लॉजिक था। फिर देखो 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 30 डायरेक्ट हो जाएगा, अभी करा था पिछले पेपर में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 4-5 पेपर के बाद आपको पेपर एक जैसा लगेगा। t sin t dt, देन f' पूछा है तो डिफ्रेंशिएट करना है बस, तो x sin x और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया है ना। फिर उसके बाद 31 क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, यस नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 31 क्या क्वेश्चन है समझिएगा। 31 में बोला है 0 to 1/2 dx/√x - x², तो सिंपल है, परफेक्ट स्क्वायरिंग करनी है, 0 to 1/2 dx/, ऐसा लिखोगे आप इसको रूट, पहले अलग से समझ लो, माइनस कॉमन लो तो x² - x + 1/4 - 1/4, तो ये बनेगा x - 1/2 का - 1/4, तो लॉजिकली आप लिखोगे 1/4 - एंड दिस इज क्या होता है साइन इनवर्स दिस अपॉन 2, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2x - 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों 0 to 1/2 रखो, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और 0 रखो तो -1, तो -π/2 पर वो प्लस हो जाएगा, -π/+ हो जाएगा, तो π/2 इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए 32 में क्या है, 32 में बोला है इफ द एरिया बाउंडेड बाय y = x² एंड y = x इज a² यूनिट, देन द एरिया बाउंडेड बाय y = x² एंड y = 1, इसी पे पूछा आपसे। देखो अब इसमें क्या करना है, y = x², मतलब ये हो गया कर्व, y = x की लाइन ये हो गई, ठीक है,
अब इसका एरिया कितना बोला आपको ए, अब ये कहाँ पे मीट कर रही है, तो वाई की जगह एक्स रख दो तो 1.1 पे ही मीट कर रही होगी। तो लाइन का एरिया तो आपको डायरेक्ट पता है कितना है, कितना है 1/2 1 × 1 यानी 1/2। और पैराबोला का कितना है वो देख लो, 0 to 1 x² dx यानी x³/3, तो वो 1/3 है। तो 1/2 − 1/3 यानी 1/6 ये ए है, इसके एरिया को ए बोला है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर एक कर दिया ये और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 की लाइन कौन सी होगी, ये हो गई, तो इसका एरिया इन टर्म ऑफ ए बताना है। ये क्लियर है बात कि इस वाले एरिया में से आपने ये वाले एरिया को माइनस कर दिया तो ये आ गया 1/6 और वो ए के इक्वल हो गया। अब बताओ इस एरिया को कैसे निकालेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, वाई की वैल्यू 1 रख दो तो x± 1 है, तो ये 1.0 है, ये 2 times हो जाएगा ओवरऑल। इस वाले इस एरिया को निकालना है ना अंदर वाले, तो माइनस कर दोगे तो ये रेक्टेंगल है 1 1 का, तो रेक्टेंगल का एरिया तो 1 है, और इसका कितना है तो 1/2 बोल रहा हूँ x² dx 0 to 1 तो 1/3 है, तो बोलो 1 तो 2/3, इसका एरिया 2/3, इसका भी एरिया 2/3, तो ओवरऑल एरिया बोलो 4/3। अब 4/3 को ए के टर्म में लिखो, तो 4/3 को जैसे इन्होंने ऑप्शन जो दिए वो देख लो, कौन सा ऑप्शन दिया, जैसे ऑप्शन दिया है मान लो 2a + 1, तो 2a मतलब 1/3 + 1 कितना होता है 4/3, दिस इज द राइट आंसर है ना।